पंजाब की जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनाती के मामले पर गवर्नर और वजीर आला के दरमियान ताहाल डेडलॉक बरकरार है। इस पर मजीद बात करते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे मियां शोएब से। शोएब बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में वाइस चांसलर की तैनाती के मामले पर गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस के दरमियान ताहाल जो डेडलॉक है वो बरकरार है। जराए गवर्नर हाउस के मुताबिक वाइस चांसलर की तैनाती कानूनी तौर पर गवर्नर पंजाब का इख्तियार है, जबकि जराए बताते हैं कि पंजाब हुकूमत की सर्च कमेटी ने 3 नामों की जो समरी है उसको भेजने की पाबंद है, लेकिन वजीर आला की सर्च कमेटी की जानब से सिर्फ 1 नाम जो है वो तजवीज किया गया था। वाइस चांसलर की तैनाती के लिए समरीज पर एतराज लगाकर गवर्नर की जानब से वापस वजीर आला हाउस को भेज दिए गए थे। जराए गवर्नर हाउस बताते हैं कि 3 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की समरी जो है अभी तक जो गवर्नर हाउस में मौजूद है, और वजीर आला हाउस की जानब से कुल 13 समरियां जो है वो भेजी गई थी, जिन पर गवर्नर पंजाब की जानब से एतराज उठाया गया था, जबकि पंजाब हुकूमत की जानब से 7 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर का जो नोटिफिकेशन है वो किया जा चुका है। जी बहुत शुक्रिया शोएब।